जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते रहते हैं। आप देखेंगे, अपने मन में सवाल आता होगा कि कभी भी ट्रेन अगर तेज रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है, जैसे ट्रेन गुजर रही है और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को कहा जाता है कि करीब मत जाइए वरना गिर जाएंगे। कई लोग देहात के लोग बोलते ट्रेनवा खींच लेगा, नहीं खींचता है, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है। हवाई जहाज एक छोटे से इंजन के बदौलत कैसे वो लिफ्ट करके और गिरता नहीं है। पक्षियों को भी आप देखते होंगे, तब चील कौवा को देखें, चील को तो ऐसे पंख मार देगा, उसके बाद वो 10 मिनट तक ऐसे ऐसे डोलते रह जाएगा। वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं सब। ये काफ़ी फेमिलियर सिद्धांत होते हैं। आप देखेंगे कि समुद्र जो होते हैं बड़े शांत रहते हैं। देखिए, बर्नौलीज आपने जो थ्योरी दिया था उसको अगर भाषा में देखेंगे तो काफ़ी टफ था कि अगर किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित हो रहा है तो उसके किसी काट क्षेत्रफल पर उस पर प्रवाहित होने वाले सभी धाराओं का ऊर्जा का बीजी योग नियत रहता है। बड़ी लंबा चौड़ा सिद्धांत था, ऊपर से निकल गया होगा। सिंपल सा इनका सिद्धांत है कि भैया ये ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण पर कैसे भैया इनका सिद्धांत है? तो देखिए, इनका क्या कहना था कि किसी भी द्रव में अगर फ्लो हो रहा है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि इसका एक सिरा बड़ा हो, एक सिरा मतलब छोटा हो, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें देखिए तीन तरह का प्रेशर लगेगा। एक इसके अंदर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो गति के कारण ऊर्जा है, और एक इसके द्रव की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा है, और बाहर का जो प्रेशर है। तीन तरह का ऊर्जा लगेगा, एक प्रेशर, एक आपकी गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो इनका सिद्धांत क्या था कि इन्होंने क्या थ्योरी दिए थे कि भाई जो द्रव की ऊर्जा होती है वह संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब क्या है कि अगर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाओं का जो टोटल वैल्यू होता है वो सेम रहता है। कहने का सेंस क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सेंस क्या है, आप ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल से मान लीजिए मेरे पास तीन जेब है, दो पैंट में एक शर्ट में जेब है, सब में हम 100-100 रुपया रखे हैं, टोटल मेरे पास कितना रुपया है, 300 रुपया। हम क्या किए, इधर करके 50 रुपया उड़ा दिए और इधर 150 रुपया उड़ा दिए, टोटल कितना उड़ा दिए, 50 और 150 इधर उधर 200 उड़ा दिए। हमारे जेब में कितना होना चाहिए, 100। तो क्या ऊर्जा, मेरा धन संरक्षित है? नहीं, 200 तो उड़ा दिए। लेकिन क्या होगा कि 200 रुपया इधर से ऐसे उड़ाएं और पीछे से कोई मेरे जेब में 200 और भर दिया, तो 200 जो गया 200 आ गया यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं धन संरक्षण का सिद्धांत। तो ऐसे ही फिजिक्स में काम करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यानी अगर आपके पास कई टाइप की ऊर्जा है, कई टाइप की एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा है, कई टाइप की ऊर्जा है, तो उसमें अगर एक ऊर्जा बढ़ रहा है तो दूसरा अगर घट गया तो समझिए कि नेट वैल्यू तो बराबर है। अब दोनों बढ़ गया तो वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों घट गया तो भी बराबर नहीं है। तो जब कोई दो चीजें ऊपर नीचे करके रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण, मतलब एक के बढ़ने से एक घट जाता है। आप ऐसे नहीं समझे, नॉर्मल ऐसे समझिए, ध्यान से अगले एग्जांपल पे समझिए। देखिए, किसी भी चीज की ऊंचाई अगर बढ़ाइएगा तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, MGH, ऊंचाई के कारण। जैसे आप कुतुब मीनार पर चढ़ जाइएगा कोई चीज, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, ऊंचाई। अब उसको छोड़िएगा ना, तो ऊंचाई से, अब जैसे ईंटा है, इतना ऊंचाई से छोड़ेंगे हाथ पे तो कम चोट लगेगा, छत पे से छोड़ देंगे तो ज्यादा चोट लगने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है, स्थितिज ऊर्जा। तो कभी भी जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें आ जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ ऊंचाई पर हम खड़े हैं, तो हम खड़े रहने से, मान लीजिए कोई लड़का है यहाँ पर, मान लीजिए कि लड़की कोई खड़ी है, छोटिया ही खड़ी है, इस पर कुतुब मीनार पर गई है सुसाइड करने के लिए। अब ये बताइए इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कब ज्यादा रहती है, जब आपकी हाइट ज्यादा रहती है, MGH मतलब हाइट। तो इसके पास तो स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या अभी ये छोटिया गति कर रही है, अभी चुपचाप खड़ी है, अभी प्लान बना रही है, अभी रो रही हूँ, अभी मरेंगे हम, तो अभी ये प्लान बना रही है। जैसे ये कूदेगी तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे क्यों आ रही है, पृथ्वी खींच रहा है, और जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आएंगे तो और हचाक हचाक खींचेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हाइट पर रहती है तो उसका स्पीड जैसे जैसे नीचे आती है ना, उसका स्पीड धड़ाधड़ बढ़ते रहता है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ ऊर्जा संरक्षित कैसे है, जब ये छोटिया ऊंचाई पर थी तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी, जैसे छोटिया कूदी इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है, घट रही है। देखिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है ना, क्योंकि ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा घट रही है, यहाँ पे घट रही है, यानी यहाँ हम कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है। लेकिन आप गतिज ऊर्जा की बात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी, ½mv², ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, क्योंकि मास तो दोनों में है। अब इसी को देखिए, जब ये छोटिया कूद रही थी तो भले इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही थी, लेकिन ये छोटिया का अगर आप गतिज ऊर्जा देखिएगा तो देखिए इसकी गति लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी गति बढ़ जाएगी। तो जैसे छोटिया कूदी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटी लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ गई।
तो दोनों प्रकार की ऊर्जा यानी नेट ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ा, नियत रह गया, एक घटा एक बढ़ गया। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आइंस्टीन देने रहते हैं E=mc2। यही सिद्धांत पर आधारित है आपका बर्नौली का प्रमेय। यानी किसी नली में अगर कोई फ्लूड बह रहा है, कोई भी द्रव बह रहा है, तो उसके पास तीन मुख्य तरह की ऊर्जा होती है, गतिज, स्थितिज और दाब ऊर्जा। इसमें से आप मान लीजिए गतिज को बढ़ाएंगे तो ये दोनों घट जाएगा या यही घटेगा, मतलब एगो घट बढ़ के बराबर कर देंगे। मान लीजिए कि स्थितिज भी बढ़ा दिए, गतिज भी बढ़ा दिए, तब दाब ऊर्जा एकदम घट जाएगा। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी पर लिखा रहता है, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं बी। जब भी एग्जाम में आएगा ना बर्नौली का नियम आधारित है, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, बी पर लिखा रहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसीलिए यहाँ बी लिख दिए। अब ये इसके एप्लीकेशन समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। यूज से पहले इसके नॉर्मल थ्योरी को समझिए। बर्नौली ने क्या कहा, एक सिंपल सा थ्योरी दिया बर्नौली और कुछ नहीं बोला। इसने कहा कि अगर किसी भी चीज़ की आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उस पर उसके द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर घट जाएगा। किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ाएंगे तो वह उस पर लगने वाला दबाव घट जाएगा। धीमी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाएंगे बड़ी भारी लगता है, स्पीड बढ़ाइएगा तो एकदम आराम से भागता है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाता है। और स्पीड भगा दीजिएगा ना तो लगेगा सुचरा जमीन छोड़ देगा, क्योंकि जितना स्पीड बढ़ाएंगे ना उसके लगने वाला प्रेशर घट जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, देखिए अपने घरेलू प्रैक्टिकल करके देखिए। देखिए इस कागज को अगर हम फूंकते हैं उड़ गया तो कौन बहादुरी है, लेकिन बर्नौली ने क्या बोला था कि आप किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाइएगा तो उसका प्रेशर घट जाता है। अब जैसे ये कागज है, इस नीचे की हवा चाह रही है इसको ऊपर ढकेल दे और ऊपर की हवा चाह रही है इसे नीचे ढकेल दे, दोनों मिलके बैलेंस है अभी, अभी इस पर कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर की हवा का स्पीड बढ़ा देंगे, बर्नौली के हिसाब से ऊपर की हवा का स्पीड बढ़ा देंगे अगर इस पे से, तो ऊपर की हवा का जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो ऊपर का प्रेशर घट जाएगा, और जब ऊपर का प्रेशर घट जाएगा तो नीचे का प्रेशर उसको ढकेल देगा। देखिए कैसे हम इसको होंठ के अपने नीचे रखें, नीचे रखें ना, अब देखिए हम तो फेंक रहे हैं ऊपर, ऊपर हवा फेंक रहे हैं तो इसको नीचे जाना चाहिए ना, देखिए ये ऊपर उठ जा रहा है, दिख रहा है प्रैक्टिकली, देखिए अरे भाई हम इस पे भी फेंकेंगे ना तो इसको और नीचे जाना चाहिए ना, इस ससुर और ऊपर उठ रहा है। ऐसा क्यों उठ रहा है, क्योंकि बर्नौली साहब बोले थे कि अगर जहां आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो वहां का प्रेशर हट जाएगा, अब प्रेशर घट जाएगा तो ये उठ जाएगा, ऊपर उठ गया, सिंपल हो जाता है। जैसे अगर हम दो कागज को ले लेते हैं, यहाँ पर दो कागज ले लिए, अब इन दोनों के बीच में हवा है, ये हवा इस कागज को इधर ढकेल रही है, इस कागज को इधर ढकेल रही है, इधर की हवा अंदर ढकेल रही है, अभी दोनों में क्या है बैलेंस है, अभी इन दोनों में क्या चल रहा है भाई बैलेंस है। अब आप समझेंगे अगर बीच में हम खूब जोर से फूकेंगे तो आपको लगेगा कि बाहर जाएंगे सर, नहीं और सट जाएंगे सर, क्यों, क्योंकि बीच में फूकेंगे तो बीच की हवा का स्पीड बढ़ जाएगा और जहां स्पीड बढ़ेगा तो दबाव घट जाएगा और दबाव घटने से ये पास आ जाएंगे सर। देखिए बीच में फूकते हैं, अभी रुक जाते हैं, देखिए पहले देख लीजिए आराम से सट जा रहे हैं सर, जबकि जाना चाहिए क्या चाहिए दूर होना चाहिए, जबकि ये क्या हो जा रहा है सट जा रहा है, देखिए दूर होना चाहिए ना और सट जाते हैं सर, सट जा रहे हैं सर। ये किसका सिद्धांत है, बर्नौली का। अब इसी सिद्धांत का और इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इसी पर आधारित होता है आपका एक तो डिवाइस होता है, इसको ये स्प्रे होता है, देखिए स्प्रे करने वाले इसको ऑटोमाइजर कहा जाता है। ये स्प्रे पेंटिंग वगैरह के काम में आता है, अलमारी वगैरह लीजिएगा ना तो पेंटिंग उसी से करके दे देते हैं सर। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे पेंट रहता है, आप अगर कीड़ा मकोड़ा कीटनाशक भी छिड़कना चाहते हो तो यहाँ एक नीचे में एक पॉट रहता है बर्तन, उसमें वो लिक्विड भरा रहता है और ये मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है और ये केवल हवा फेंकती है, केवल क्या फेंकती है हवा फेंकती है और कुछ नहीं फेंकती है, हवा बस फेंकेगी। लेकिन इस मशीन ये क्या करता है ना, ये यहाँ इसमें कोई डिवाइस नहीं लगा है, ये एक केवल सिंपल सा पॉट है और ये इसके ऊपर से ऐसे गया रहता है ये पाइप। अब इस पाइप में हवा जाती है, ध्यान से समझिएगा, इस पाइप में हवा जाती है और हवा का स्पीड इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है हवा फेंकता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है इस लिक्विड के ऊपर दबाव पड़ रहा था, ये जो इसमें नली की वो थी आपकी हवाएं वो इस पे दबाव डाल रही थी तो ये इसका लिक्विड अंदर आराम से बैठा था। स्पीड इतना ना बढ़ा दिए कि ऊपर का प्रेशर एकदम घट गया, जो प्रेशर था एकदम घट गया तो ये लिक्विड जो है ना बाहर निकल के देखेगा अरे प्रेशर क्यों घट गया, ऐसे झांकेगा ना तो पीछे से हवा आ रही है लिक्विड को आगे फुहार बना के फेंक देगी। तो ये आपका सिंपल सा सिस्टम होता है, इसको फेंकने के लिए कोई अलग मशीन नहीं चाहिए, बस इसमें प्रेशर हवा बहुत स्पीड फेंकी है, हवा जैसे स्पीड फेंकेगा ऊपर की
हवाएं ऊपर का जो प्रेशर है हट जाएगा तो ये द्रव बाहर निकल के झांकेगा तो हवा बह रही है लेके चला जाएगा स्पीड में। तो इसको स्प्रे होता है, स्प्रे पेंट वगैरह इसी पे सिद्धांत पर काम करते हैं, बर्नौलीस थ्योरी पर। आप इसका सबसे फेमस समझते होंगे आंधी वगैरह में छप्पर में घर उड़ जाते हैं। रीजन समझिए घर उड़ने का, जैसे नॉर्मल सीजन है, अभी आंधी वगैरह नहीं है तब बता रहे हैं कि मान लीजिए आंधी नहीं है तो नीचे की हवा इस टीन सेट को चाह रही है कि ऊपर फेंक दे और ऊपर की हवा चाह रही है कि हम इस टीन सेट को नीचे धंसा दें। दोनों हवाएं बैलेंस में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आंधी उठता है तो घर के अंदर आंधी थोड़े उठता है। घर के अंदर आंधी कब उठता है? जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तब, अदरवाइज में घर के अंदर कभी आंधी नहीं उठता है। तो ये देखिए आंधी बाहर उठता है तो अब बाहर की ओर आंधी उठेगा तो बाहर की हवाएं तेज स्पीड से चलने लगेंगी। और जैसे बाहर की हवाओं में स्पीड बढ़ेगा तो बर्नौली साहब क्या बोले थे, स्पीड बढ़ाएंगे तो ये जो लगने वाला प्रेशर है ये घट जाएगा। अब ये लगने वाला प्रेशर हट गया और नीचे वाले को क्या पता कैसे हटा है। अब इसमें मान लीजिए इसके अंदर छोटुआ छुटियाँ हैं सब, अब अंदर में छोटुआ छुटियाँ बैठे हैं सब इसके अंदर। अब हवा को ऊपर वाला प्रेशर हट गया, अब नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, इस टीन सेट को उठा देगा। और टीन सेट को जैसे उठाएगा तो ऊपर तो आंधी चल रही है, टीन सेट को उड़ा ले जाएगा, ले गया उड़ा के यहाँ पे, और छोटुआ पकड़ा गया इसमें यहाँ। तो ये क्यों होता है? बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर। ये एग्जाम में आपका एग्जाम्पल में पूछेगा, चार तो एग्जाम्पल दे देगा, कह देगा कौन बर्नौली के प्रिंसिपल पर नहीं है। और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि इस सिद्धांत पर। ट्रेन का कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म पे आप तब मत खड़े रहिए जब कोई बहुत हाई स्पीड ट्रेन गुजरने वाली है। मान लीजिए यहाँ पर कोई छुटिया है और इधर छुटुआ खड़ा है, ये दोनों प्लेटफॉर्म के पास खड़े हैं सब, दूरी पे हल्का सा है दूरी पर, ये सब देखेगा सर कि बुलेट ट्रेन जाएगा या एकदम मोदी जी बोले थे बुलेट ट्रेन लाने के लिए, इंतजार कर रहा है सर यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर बुलेट ट्रेन जाएगी, अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार सोचिए कितनी भयानक होती है, ये तो एकदम मारेगा सड़क से निकल जाएगा यहाँ पर। और जैसे अभी नॉर्मल समझिए, मान लीजिए हम ही प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं तो आगे की हवा हमको ढकेल रही ना चाहती है कि हम पीछे गिर जाएँ, अब पीछे की हवा चाह रही है हम आगे गिर जाएँ, लेकिन दोनों हवाएँ बैलेंस हैं इसलिए हम प्लेटफॉर्म पे शांति से खड़े रहते हैं। जैसे आगे से ट्रेन जाएगी सड़क से तेजी से ट्रेन जाएगी तो बर्नौली साहब ने क्या बोला था, स्पीड बढ़ाइएगा ना तो प्रेशर घट जाएगा। तो जो हवा हमको इधर ढकेली थी उसका प्रेशर जो है घट गया, क्यों? क्योंकि सामने से ट्रेन गई, स्पीड बढ़ गया तो ये प्रेशर घट गया। जैसे ये प्रेशर घटेगा तो पीछे वाली हवा हमको ढकेल देगी, जा खान साहब ट्रेन पे चल जाए, वहाँ पे बुलेट ट्रेन लेके चल जाएगी हमको, खत्म हो गए। तो देहात का आदमी बोलता है ट्रेनवा खींच लेता है, खींचता नहीं है, बर्नौली का पर में है, समझ में आ गया। एक और गलती करता है लोग, आप पढ़े होंगे ट्रेन पे लिखा होगा चलती ट्रेन पे पायदान पर ना खड़े हो, मतलब देखिएगा ना नायका लड़कवा क्या करता है सर, ट्रेनवा के गेटवा पे ऐसे खड़ा हो जाएगा सर, एकदम लगेगा सर अब एकदम ये अभिनंदन पायलट बन गए हैं अब यहाँ पर। इसमें भी गिर सकते हैं आप। ट्रेन के अंदर हवाएं गति से नहीं चलती हैं, ट्रेन के अंदर कहाँ उतना हवाओं की गति रहता है, अब वही ट्रेन को हल्का से मुड़ी निकाल के देखेंगे बहुत तेज गति से हवाएं चल रही होती हैं। हवाएं एक्चुअली क्या, ट्रेन चल रही होती है इसलिए हवाएं हमको लगता है कि चल रही होती हैं। तो बाहर की स्पीड बहुत तेज रहती है इसलिए बाहर में प्रेशर बहुत कम है, और अंदर की स्पीड कम है इसलिए अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो ट्रेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा, अगर आप खिड़की के मतलब दरवाजे के पास खड़े हैं तो पीछे से जो आपको ढकेल रहा है ट्रेन के अंदर की हवा उसकी स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, और बाहर की हवा का क्या है कि स्पीड ज़्यादा है प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम होगा अंदर वाला फेंक देगा धाएँ से गिर जाएंगे। तो अक्सर पेपर में सुनते होंगे कि दरवाजे पर लटका व्यक्ति गिर गया और हमेशा के लिए ऊपर उठ गया, ऐसा सुनते होंगे, बर्नौली का नियम है ये, ये सबको ध्यान रखिएगा। बस अक्सर देखिएगा इस समय बाइक वाला क्या सोचेगा सर कि अरे तेरी क्या एकदम इसके बगल से गुजारेंगे सड़क से, एकदम बाइक लेके आएगा सर। आजकल बाइक आ गया है ना, पीछे वाला सीटवा एकदम ऊपर कर दिया है, लड़कवा सर क्या करेगा सर अपने बैठ जाएगा और पिछवा लड़की बैठा लेगा लेके जाएगा, ऐसा लगता है इसे लग रहा है बेचने ले जा रहा है उसको, एकदम ऊपर बैठा लेता है, आजकल की गजब मोटरसाइकिल आ गया सब। तो इसमें कभी भी किसी तेज चलने वाली गाड़ी से सटा के क्रॉस नहीं करना चाहिए। रीज़न समझिए, ये बस जो चल रहा है ये अपने ही हवाओं को काट के चल रहा है, इसलिए जो इसके अगल बगल की हवाएं हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हवाओं का प्रेशर बहुत कम है। और आप इसके इसके पास से गुजरिएगा ना, यहाँ इसके पास से गुजरिएगा तो जो जिस साइड ये ट्रक है बस है उस साइड तो स्पीड ज़्यादा है, वहाँ हवाओं का प्रेशर बहुत कम है, अब क्या करेगा ये ना, यहाँ प्रेशर कम है तो आप इस ओर गिर जाएंगे। रीज़न क्या है कि इस इधर स्पीड ज़्यादा है, बस के वजह से हवाओं की स्पीड में हलचल हो गई है, स्पीड ज़्यादा हो गया जिस वजह से वहाँ प्रेशर कम हो गया और ये मार देगा आपको, गिर जाएंगे उस साइड में। तो अक्सर ये चीज़ दिखता है, तो आप लोग को लगता है कि भाई
मोटरसाइकिल ये अलग गलती है, अरे भाई वो संभाल के निकाला था लेकिन फिर भी दुर्घटना हो गया। इसलिए आप देखेंगे, कभी भी देखिएगा ट्रेन की दो पटरियों को देखिएगा, जहाँ ट्रेन जाता है उनके बीच में काफ़ी जगह रहता है, रियल में यार इतना जगह रहता है कि एक और ट्रेन अट सकती है। जो डबल लाइन की ट्रेन में देखते हैं ना, जब क्रॉस करती है स्टेशन पे नहीं, बीच में स्टेशन पे इसलिए करीब बना दिया जाता है कि स्पीड कम रहती है, वहाँ बर्नौली वाला नहीं काम करेगा। लेकिन अगर पुल को देखिएगा, दो पुल को दूर दूर बनाया जाता है, या फिर ट्रेन की दो लाइनों को बीच में आपकी एक ट्रेन जा सकती है, तो क्या रेलवे को उतना फालतू जमीन था, सटा के नहीं बना देता उसको? जान रहा था कि सटा के बना देंगे, वो बर्नौली का नियम लगेगा, लड़ जाएगी ट्रेन। कैसे लड़ जाएगी देखिए ध्यान से, पानी वाली जहाज कैसे लड़ जाएंगी सब, यहाँ समझिएगा बर्नौली का पर में ये जहाज चल रही है। इस जहाज के वजह से इधर की जो पानी है उसका स्पीड बढ़ गया है, तो यहाँ का प्रेशर घट गया है, और देखिए यहाँ भी स्पीड बढ़ गया इस साइड में, तो यहाँ का भी प्रेशर घट गया है। इस जहाज की वजह से इधर का पानी का स्पीड हलचल हो गया है, यहाँ का प्रेशर घट गया है। अब इस वाली बोट का देखेंगे तो इधर में भी प्रेशर ज़्यादा है, अब आप बताइए, सॉरी स्पीड ज़्यादा, आप बताइए सबसे ज़्यादा स्पीड पानी में कहाँ होगा, अंदर में? क्योंकि ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड लगभग पानी का स्पीड मैच कर जाएगा, तो यहाँ अंदर इन दोनों के अंदर के पानी का स्पीड बढ़ जाएगा। अब बर्नौली साहब क्या बोले थे कि जैसे स्पीड बढ़ाइएगा प्रेशर घट जाएगा, तो जो प्रेशर इसको उधर ढकेला था और इसको इधर ढकेला था वही प्रेशर घट जाएगा, पर दोनों आके लड़ जाएंगे सर, ये दोनों आके क्या हो जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे। इसलिए देखिएगा जब भी नाव लड़ती है ना तो पीछे की ओर से लड़ती है, क्योंकि मेन स्पीड जनरेट हो रहा था पीछे से, और बीच के एरिया में इतना ना पानी को हौड़ दिया सब, देहात में क्या बोलते हैं हौड़ देना, तो हौड़ दिया सब कि स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, आपस में लड़ जाती है। इसलिए दो ट्रेन को, दो जहाज़ों को, दो किसी भी गतिशील चीज़ों को थोड़ी सी दूरी पर रखना चाहिए, वरना बीच की हवाओं का स्पीड बढ़ जाएगा, प्रेशर घटने से ये सब आपस में सट के लड़ जाते हैं सब। आप गेम उसमें देखते होंगे क्रिकेट में स्विंग कराना, आजकल एक तो आ गया स्विंग कराता है, कैसे बॉल स्विंग कैसे करती है, देखिए ध्यान से, कोई भी बॉल होता है अगर, तो उसके चारों ओर क्या करती है, हवाएं एक प्रेशर लगाई रहती हैं, जिस वजह से वो बॉल आराम से जाता है। लेकिन बताइए अगर ये प्रेशर हट जाए तो क्या बॉल आराम से जाएगा, डगमगा जाएगा। इसी डगमगा जाने की क्रिया को हम कहते हैं स्विंग कर जाना। अब जब बॉल को आप नचा के तेज़ी से फेंकेंगे तो अपने अगल बगल की हवाओं को वो गतिशील कर देता है, और जैसे हवाएं गतिशील हो गई, हवाओं का स्पीड बढ़ गया, तो हवाओं द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर घट जाएगा। अब जो बॉल है वो क्या करने लगेगा, स्विंग करने लगता है, वो हल्का सा हवा में स्विंग करता है, जैसे दिख रहा है ना, ये स्विंग कर रहा है यहाँ पर इस तरह से, और ये भी ये स्विंग कर रहा है। तो ये स्विंग कराना आजकल तो एक कला हो गया है क्रिकेट की दुनिया में। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई साहब, जहाज कैसे उड़ जाता है। जहाज के बारे में आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, देखिएगा हर एक चीज़ बताए हैं कि कैसे पार्ट पुर्जा क्या काम करता है, यही बचा हुआ था कि इसको लिफ्ट कैसे मिलता है। तो देखिए जहाज के सरफेस को इस तरह से बनाया जाता है कि ये ऊपर का एरिया राउंड कर दिया जाता है, देखिए इस शेप में रहता है जहाज, जिसे हम लोग अगले भाग को हम लोग कहते हैं स्लेट, ये पढ़ाए हैं लोग स्लेट, जो पीछे सही से लटका हुआ दिख रहा है वो आपका फ्लैप है, ऊपर खुलेगा स्पॉइलर हो गया, ये रडर पैडल हो गया, एलिवेटर हो गया, यहाँ पे पीछे वाले हिस्से होते हैं सर, यहाँ एलिरोन होता है जो दाहिने बाएं मोड़ने में मदद करता है। अभी मेन हम बात करने जा रहे हैं ऊपर ये विंग्स के हिस्सा को। जहाज़ों के विंग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि ऊपर का एरिया ज़्यादा हो जाए और नीचे का एरिया कम हो जाए। यहाँ देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर ये निचला एरिया देखेंगे, नीचे का हिस्सा, तो ये एकदम स्ट्रेट लगभग स्ट्रेट गया है, दिख रहा है, ये लगभग स्ट्रेट गया, और ऊपर का एरिया हल्का सा कर्व है, कर्व, तो कर्व होने की वजह से ऊपर का एरिया ज़्यादा है। ऊपर का एरिया जब ज़्यादा हो जाएगा तब आप समझिए क्या होगा, जो आगे से हवा आ रही है, इसको दो कलर से कर दिया है, ऊपर वाला ब्लू है, ये बता रहा है कि ये ब्लू कलर ऊपर से जा रही है और रेड कलर नीचे से जा रही है। अब हवा एंट्री टकराती है एक ही समय पे, तो बाहर भी निकलेगी एक ही समय से इससे जहाज से, ऐसा थोड़ी कि आधा जहाज या बाहर छूट जाएगा, एक ही साथ निकलेगा, हवाएं जो टकराती हैं एक साथ निकलेगी भी एक साथ। देखिए ये ब्लू और रेड एक साथ टकराई थी और निकल भी गई एक साथ। अब आप बताइए ये रेड वाले को दूरी कम है, उसके लिए डिस्टेंस कम है, और ब्लू वाले के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है। अब आप बताइए कि किसी को कम दूरी तय करना है और किसी को बहुत ज़्यादा दूरी तय करना है, लेकिन पहुँचना एक समय पर है, एक ही टाइम पर पहुँचना है, तब कैसे पहुँचेगा? तो ये एक ही रास्ता बचता है कि भैया जिन्हें ज़्यादा दूरी तय करनी है उनका स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए, तभी ना वो सेम टाइम पे पहुँचेंगे। अब मान लीजिए इसको 2 किलोमीटर पहुँचना है और इसको पहुँचना है 3 किलोमीटर, और दोनों सेम स्पीड से चलेगा तो ये तो पहले ही पहुँच जाएगा, बाद में पहुँचेगा, तो इसके लिए क्या है कि जिसको 3 किलोमीटर जाना है इसकी स्पीड क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, तब ना दोनों सेम पहुँचेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली हवाओं का स्पीड ज़्यादा होता है और नीचे वाली हवाओं का स्पीड कम होता है ताकि एक साथ पहुँच सके। अब ऊपर वाली हवा का स्पीड ज़्यादा हो गया तो आपको पता है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसके प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो क्या हो जाता है, हाई ना होके कि उसका प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब समझ गए आप लोग कि इसका प्रेशर क्या हो गया, घट गया, और जबकि अंदर की हवाओं का स्पीड कम है तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर वाला नीचे से ठेलने लगेगा और जैसे ढकेलेगा तो ये नीचे से इसको ढकेलता रहेगा और जब तक जहाज चलेगी तब तक ये ढकेलता ही रह जाएगा, जिस वजह से नीचे से एक लिफ्ट मिलती रहेगी और ये जहाज उड़ता रहेगा। तो आप कहेंगे जा इसे चूरा उतरेगा कैसे, तब सही बात है, चलो उतरेगा कैसे यहाँ पर। इसलिए जो अगला भाग होता है ना, जो स्लेट होता है, ये अपना एरिया घटा बढ़ा सकता है। ये हम पहले वीडियो में बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में एरोप्लेन वाले हिस्सा में जाके देखेंगे, हर चीज़ बताया गया है। तो सोचेंगे उतरेगा कैसे। इसलिए जो बाज होता है ना, चील का हुआ बाज, और बाज जब उड़ता है, चील तो उड़ने के बाद अपना एरिया इस तरह कर लेता है कि ऊपर का पंख को फुला लेता है और नीचे का घटा लेता है, बस हवाएं ऊपर का प्रेशर घट जाता है, नीचे का ज़्यादा, आराम से उड़ते रहता है। तो आप लोग भी विद्यार्थी जीवन में यदि ऊंचा मकाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाज की तरह ऊंचाई उड़ान भरे, तो आपको इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, वरना तितलियों के साथ घूमते रह जाएंगे ना तो ऐसी परिंदों की तरह रह जाएंगे, बाज नहीं बन पाएंगे जो समाज में आप ऊंचा मुकाम पा सके। इसलिए याद रखिएगा, तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। तो आप ये समझ में आ गया बर्नौलीस का थ्योरी कैसे उड़ जाता है। अब बताइए ऐसे जहाज का मुंह बना देगा चौकी ऐसा तो उड़ पाएगा, नहीं उड़ेगा, यही था बर्नौली का सिद्धांत यहाँ पर। अब एक बात बताइए, एग्जाम में ऐसा थोड़े पूछेगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप सीधा पढ़ के गए हैं तो उल्टा पूछेगा, पूछ सकता है कि नहीं। अब तक हम यही पढ़ रहे थे हम लोग कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। एक बात बताइए, इससे मतलब ये भी तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि अगर प्रेशर में बढ़ा दे, दबाव बढ़ा दे, तब क्या होगा, तब तो स्पीड घट जाना चाहिए, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो स्पीड घट जाना चाहिए, तो देखते हैं लोग घट जाना चाहिए। ऐसे सामान्य जीवन में जो झील होता है ना, झील में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और पानी ज़्यादा के होने की वजह से झील का पानी जो होता है उस प्रेशर ज़्यादा लगाता है, इसलिए स्पीड कम होती है। सही बात है, झील के पानी का स्पीड कम होता है। और अगर तालाब देखिएगा तो तालाब के पानी में क्या होता है भैया, प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है तो स्पीड भी, तालाब का पानी छलकते रहता है। कहते हैं ना कि मोहब्बत करने वाला ज़िंदगी भर कुछ नहीं कहता, ये दरिया शोर करती है समंदर कुछ नहीं कहता, क्योंकि समंदर का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए स्पीड क्या है, कम है। समझाए कि नहीं, समंदर बहुत बड़ा होता है, दुनिया में महासागर और सागर उसी को कहेंगे जो आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट नहीं रहेगा तो सागर नहीं कहलाएगा। जैसे कैस्पियन सागर, सागर नहीं है वो झील है, आपस में कनेक्ट है तभी वो सागर है। जैसे अरब सागर कनेक्टेड है बंगाल के इससे, हिंद महासागर से, वो आगे जाके आपका लाल सागर स्वेज नहर पार करके भूमध्य सागर, वो जिब्राल्टर पार करके अटलांटिक में, जब तक कनेक्ट है तब तक सागर कहलाएगा। आराल सागर सागर है, झील है, नाम भले सागर है, नाम रख देने से थोड़ी हो जाता है, कनेक्ट है तो सागर। और उसमें बहुत बड़ा है तो महासागर, थोड़ा छोटा हुआ तो सागर। झील क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है झील, जिसके पानी का मेन सोर्स जो होता है ना ज़मीन के अंदर से होता है, वो वर्षा जल पर निर्भर नहीं होता है, तो झील कहलाता है। और ये अगर छोटा मोटा है तो ये क्या हो जाता है, तालाब। और इससे भी छोटा अगर ले जाइएगा तो फिर हो जाएगा गढ़ा, ये तो और छलकते रहता है। और उससे छोटा ले जाएंगे गढ़ही, और गढ़ही से छोटा ले जाएंगे तो फिर गुप्पी हो जाएगा। आदमी गोली खेलता था बचपन में, गुप्पी में झगड़ा हो जाता तो थूक देता था आदमी, नहीं तो गुप्पियाँ फोड़ देता था। तो ये अलग चीज़ है ये वाला। तो आप आई होप आप बर्नौलीस का पूरा थ्योरम समझ गए होंगे कि बर्नौलीस आप क्या करना चाह रहे थे। इससे एग्जाम में हमेशा पूछता है, हालांकि यही पूछता है कि बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन इसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए एनटीपीसी दिसंबर में है, हम आप लोग के लिए डेली फिजिक्स का एक टॉपिक आके क्लियर करते रह जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे मान लीजिए कल कोई और टॉपिक बता देंगे, आप केवल ईमानदारी से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपको कहते हैं ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आप मन करे तो एग्जाम्पल जो है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में लिखिए, जैसे कीजिए। हाँ, अगर कॉपी में एक सिस्टमेटिक वे में जाना चाहते हैं तो इसके आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है खान सर ऑफिशियल के नाम से, उसका सिस्टमेटिक होगा। देखिए पॉलिटी जो बैच लाए थे हम, आपको ऑफर दिए भी थे उसमें, बोले थे एडमिशन लेने के लिए, 2 लाख पे क्लोज हो गया। अब जो एनटीपीसी का है, ये आप एप्लीकेशन के बैनर पे देख रहे होंगे, उस पर लिख रहा होगा ऑफर है 19 को, तो 18 या 19 को ऑफर देंगे, जिसमें आपको साइंस का सारा चीज़ कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साइंस के लिए टेंशन मत लीजिए यार, साइंस इतना इंटरेस्टेड है ना, इतना इंटरेस्टेड, बस अब आप उसको प्रैक्टिकली पढ़िए। प्रैक्टिकली आप देखें क्यों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये सब आगे निकल गए सर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पढ़ रहा था सर। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे, लिट्टी गोल छान
पातर छान, लंबा लिट्टी छान, बिना चोखा का छान, यही सब तो छान रहे थे हम लोग, जलेबी, समोसा, पकौड़ा, यही सब बना रहे थे, क्योंकि हम लोग को इसका प्रैक्टिकली नॉलेज है। और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ये आगे निकल गया, वो फिजिक्स में प्रैक्टिकल कर रहा था सर। तो फिजिक्स भाई साहब टफ नहीं है, लेकिन टफ कब हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। आप मान लीजिए बिना प्रैक्टिकली हम आपको समझाते थे, देखो भाई जहाज ऐसे उड़ जाता है और बर्नौलीज का नियम लगता है, अगर हम विजुअल नहीं दिखाते आपको तो कभी समझ पाते नहीं समझ पाते। तो आप ऐसे रेंडमली पढ़ना है आपको तो आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है कि जैसे अब इसी में आपका वेंचुरी मीटर आता है, ये क्या होता है, फिर विस्को मीटर आएगा, तो एक सिस्टमेटिक आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया जाएगा। वहाँ पर याद रखेंगे 18 तारीख या 19 तारीख को एनटीपीसी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत मिनिमम फीस में करेंगे। तो जितने लड़कियों को प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सर हम गरीब घर के हैं, हमको एडमिशन लेना है, तो आप 18 या 19 को रेडी रहेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके खान सर ऑफिशियल के नाम पर। याद रखिए इसमें ज़्यादा कंपटीशन इसलिए है कि ऑलरेडी उसको 2 लाख लड़के पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो इंतजार कर रहे हैं कि हम कब लेंगे हम रेलवे का बैच, और उसमें कई ठो ले लिया था सर, हम रेलवे बैच रोक लिए, यानी अभी लगभग उसमें 30 से 35 हज़ार लड़के लिए हैं सर, कैपेसिटी बस 2 लाख है, ऑलरेडी ले लिए हैं। 18 या 19 को खुलेगा और 3 दिन एडमिशन होंगे उसमें, मान के चलिए 3 से 4 दिन ही एडमिशन होंगे। शुरुआत में लीजिएगा, फी एकदम कम रहेगा, बाकी आप जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दीजिएगा कि आपको कैसे समझना है। ऐसा हो ये नहीं सकता आप समझेंगे नहीं, बस जिंदा रहना चाहिए, जिंदा है ना आप समझ जाएंगे। आई होप इसको समझ गए, कल फिर मिलेंगे आपको फिजिक्स के एक नए टॉपिक पे। आप कहेंगे तो केमिस्ट्री का भी एक बना देंगे, फिजिक्स का भी बना देंगे, जैसा आप चाहते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। समझ में आ गया आपको, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।